हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमृता। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है। इस बेल को दबाइए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिले। एक करी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3 उबले हुए अंडे ली हूँ। टूथ पिक मदद से होल कर देंगे ताकि अंदर तक मसाले जा सकते। ऐसे ही सारे अंडे को टूथ पिक मदद से रेडी कर लेंगे। हल्दी पाउडर और नमक अंडे के ऊपर डालकर अच्छे से अंडे को मिला देंगे। ऐसे मिलाने से अच्छे कलर आएगा। कटे हुए प्याज लेंगे, अदरक लहसुन पेस्ट और टमाटर प्यूरी लेंगे। और मसाले में खड़े मसाले, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, सौंफ पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाले और तेल चाहिए। गैस के ऊपर पैन चढ़ा दें, तेल डाल दें। तेल गर्म होने के बाद उबले हुए अंडे को फ्राई करेंगे। पलट पलट कर अच्छे से अंडे को फ्राई कर लेंगे और अंडे को निकाल देंगे। उसी तेल में खड़े मसाले डाल देंगे। खड़े मसाले को 10 सेकेंड के लिए भून लेंगे। अभी कटे हुए प्याज डालकर भूनेंगे। प्याज में सुनहरा कलर आ जाए तो 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाल दें। मसाले को अच्छे से भून लेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालें। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सौंफ पाउडर, जीरा और धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिला दें। टमाटर प्यूरी डाल दें। सभी मसाले को अच्छे से भून लेंगे। एक कप पानी डालेंगे। पानी गर्म करके डालेंगे। कढ़ी में उबल आ जाए तो अंडे डाल देंगे। गरम मसाला डालकर मिला दे और कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। धनिया पत्ता डालकर गर्मा गर्म अंडे करी को सर्व कीजिए। आप रोटी, पराठा या चावल के साथ अंडे करी को एंजॉय कीजिए।